हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर वापस, क्योंकि मेरी सिस्टर की वेडिंग है। तो काफ़ी मशक्कतों के बाद मुझे छुट्टियाँ मिली और मैं घर जा रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शादी का माहौल होगा, बहुत मस्ती करने वाले हैं हम सब लोग। तो बस चलते चलते लग गई हमको भूख। तो भाई क्रिस्टी की तबीयत ख़राब है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसलिए अब हम एक ढाबे पर रुके हैं। ये देखो क्या हालत कर रही है आज, वरना ये बहुत खुश होकर जाती है हमेशा घर, और आज ये बहुत परेशान कर रही है। तो चलो अभी यहाँ ढाबे पर चलते हैं। पानी है तो क्या है बताओ? ढाबा ना है। और क्या है? रेस्टोरेंट है। शायद गेट इधर है। इधर सुनो, वेलकम का तो इधर लगा, तो गेट इधर होगा ना, वहाँ कहाँ जा रहे हो? यहाँ क्रिस्टी वेट कर रही है अपने खाने का, और उसने फिर से शाही पनीर और रोटी मंगाई है अपने लिए, जो खा के क्रिस्टी पता हम बोर हो चुके हैं। चल तू इस, चलो इसका खाने के बहाने आप कुछ बोल तो रहे हो ना, वरना तो आप तो परेशान ही करते आ रहे थे पूरे रास्ते। काफ़ी लंबा सफ़र है, इसलिए क्रिस्टी परेशान हो गई, और वो अपना टाइम पास करने के लिए ना अपने फेस को देखो कैसे कैसे फेस बना रही थी, तो उसका भी टाइम पास हो रहा था, और साथ में मैं भी उसकी वीडियो शूट कर रही थी और हंस रहे थे हम। तो ऐसे ही करके हमने अपना टाइम पास किया। काफ़ी लंबा सफ़र है, पूरे 11 घंटे लगे थे उस दिन हमको घर पर आने में, क्योंकि हमें कई जगह ट्रैफिक जाम वगैरह भी मिला था। तो ये देख सकते हो आप, बहुत ही लंबा जाम है। अब ये मतलब थोड़ी बहुत गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे पहले तो ना ये बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। हम परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। पियोगे चाय? चाय पियो। मुरादाबाद का ये सीन है कि यहाँ पे ना कोई रोड बन रही है, उसकी वजह से यहाँ पे आए दिन जाम रहता है, और हम बहुत ही बुरे वाले जाम में फंसे और बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गए। लो मुझे भी दे दो एक दो, भूख लगने लगी हमें। तो ये मुरादाबाद की मस्त चाय तो अच्छी बन रही है, पी के देखो। दूध में पत्ती लगाई है आंटी ने। तो भाई सुबह से चलते चलते हमें रात हो गई है, अभी भी हम घर नहीं पहुँचे। मुझे लग रहा है 8 बजे से पहले पहुँचने वाले भी नहीं है, क्योंकि आज हम जाम में फंस गए थे इसी चक्कर में। तो बस चलते जा रहे हैं, चले चलो चले चलो। तो भाई फाइनली हम मतलब रात के लगभग 9 बजे पहुंच गए हैं घर पे, अभी भी नहीं पहुंचे। मतलब अभी तो सब्जी ले रहे हैं ये बाहर से, क्योंकि मम्मी जी भी नहीं है घर पे, तो शायद सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं होगी, तो जाके खाना भी बनाना है। और क्रिस्टीना अपने दीदी से बस लड़े जा रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्वीट कॉर्न लाइए, लेकिन इसने खाए नहीं है। मॉल में जाके शॉपिंग्स मॉल गई थी, वहाँ से लाई है, और बस अभी घर चलते हैं। और इतनी थकान हो रही है, हमें 11 घंटे हो गए लगातार सफर करते करते, और 11 घंटे बाद हम जो है घर में एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गए घर, और अभी तो काफ़ी लेट हो रहा है, आके आते ही मैं किचन में लग गई, और किचन में मैंने देखो इतना जल्दी और कुछ नहीं बन सकता था, तो किचन में मैंने बनाई है तहरी, और लेकिन वेजिटेबल्स वगैरह सारी डालनी है, तो बस अभी तहरी में सीटी लगी है। और इधर दूध उबल रहा है, क्योंकि जो है जब कोई हाथ आई नहीं तो कोई व्यवस्था नहीं थी। और देखो एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, और ये सारा सामान जो मैं अपने साथ लेके आई, जिसके ऊपर ये मुझे गुस्सा कर रहे थे कि तू कितने सारे बैग लेके आई है। अभी जब ये पूछे कि सर्दियों में यहाँ रहना है, और जो है शादी भी है घर में, तो मच्छर आ रहे हैं, गेट खुल रहा है, और जो है दाल चावल लिए जो लाती है पटाख से। अच्छा गेट खुल रहा है, हाँ इस चैनल पर काम नहीं करूँगी अब। हाँ फ्रेंड्स, ये मतलब जो हमारे चाहने वाले लोग हैं उनके लिए दुख की बात होगी कि मैं बहुत जल्दी ना इस वाले चैनल पे व्लॉग डालना बंद कर दूंगी, मतलब इस चैनल पे काम नहीं करूंगी। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, अगर आप पूछोगे तो ज़रूर बताऊंगी। फाइनली 10 बजे हमको खाना मिल रहा है। चलो किसी खा लो बेटा, और टीवी चल गया यहाँ पर। आज लग रहा होगा ना मज़ा सा आ रहा होगा ना घर में आके, है ना? आज लग रहा होगा जिंदगी में जी रहे हो, है ना? चलो फटाफट से खाते हैं खाना।